अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जी व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट सी कलेजी मसाला, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। इसको हम वॉश करने का तरीका भी आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दें। तो चलिए व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1/2 kg कलेजी ली है। अब हम इसको वॉश करने का जो सबसे आसान तरीका है, उसमें हम विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 cup इसमें विनेगर ऐड करेंगे। सफेद सिरका, जिसको हम आम जुबान में बोलते हैं। और इसमें अब हम डालेंगे 1/2 प्याली पानी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम इसको ऐसे छोड़ देंगे ताकि इसका सारा ब्लड जो है और इसकी स्मेल जो है वो खत्म हो जाए। यहाँ मैंने व्यूअर्स लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं। 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब हम इन तीनों चीजों को अच्छी तरह पेस्ट बना लेंगे। दस से 15 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स। अब हम इसको चेक करते हैं, ये देखिए बिल्कुल व्हाइट हो गई है। इसको हम अच्छी तरह वॉश कर लेंगे और इसको हम छलनी में रखेंगे ताकि इसका जो बाकी ब्लड है या थोड़ा बहुत पानी है वो अच्छी तरह साफ हो जाए। खुले पानी में हम इसको धोएंगे। यहाँ हमने कढ़ाई ली है, अभी इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें जो पेस्ट बनाया प्याज का वो हम इसमें ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया, फ्राई करेंगे। प्याज ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे 2 बड़ी इलायची। इसको मैंने अच्छी तरह खोल लिया ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी। अब हम साथ में इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। नमक अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। वन टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 7-8 काली मिर्च ऐड कर देंगे। मसाला अच्छे से हम भून लेंगे। कलेजी को हमने धो के ऐसे चिप्पू में ऐड किया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब ये देखें, इसमें भी जो है वो काफी एक्सेसिव वाटर था जो इसमें हमारे बाउल में रह गया। अब हम इसको मसाले में ऐड करेंगे। दो मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे। साथ में हम 2 छोटी इलायची ऐड कर देंगे। बस 2 मिनट हमने इसको तेज आंच पे पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 प्याली दही, फेंटा हुआ दही इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी जो कलेजी है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जी बस अब हम इसको कवर कर देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, या तब तक जब तक ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। और आंच आपने यहाँ पे स्लो कर देनी है। दस से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी जो कलेजी है वो ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुकी है। हम इसको चेक करते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है।
अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड कर लेंगे और इसको तैयार हो जाएगी। अब हम इस टेस्ट पे इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई हम डालेंगे खुश्क मेथी, कसूरी मेथी जिसको कहते हैं, 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला और 1/2 टीस्पून ही इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और कसूरी मेथी का फ्लेवर जो है वो कलेजी में आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक और हरा धनिया। तो 2 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, मज़ेदार सी और स्पाइसी से हमारी मसाला कलेजी जो है वो बनके तैयार हो गई है। आप इसको गरम गरम चपाती के साथ जो है इंजॉय करें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। ये आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है हमारे लिए। ना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।